देश का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला, घर घर में देखे जाने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज क्यों अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ चुका है। क्यों एक बार फिर ट्विटर पर चलाया जा रहा है हैशटैग बॉयकॉट तारक मेहता का, क्या है वो बड़ी वजह, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। ये कोई बड़ी बात नहीं है, घर घर में इस शो को देखा गया है, प्यार दिया गया है एक्टर्स को, कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स को, हर कोई जो भी तारक मेहता से जुड़ा है उसको दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। और यही वो बड़ी वजह है कि आज ये देश का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। इस शो को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हो या बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित, सभी चीज़ वो मिला है जो एक शो के मालिक, एक शो के कर्ता धर्ता, एक क्रिएटर, एक एक्टर्स डिज़र्व करते हैं। लेकिन इस शो से अब बहुत ज़्यादा जनता परेशान भी होने लगी है। ये आप यकीन मान सकते हो कि इस शो का डाउनफॉल शुरू हो गया है 2017 के बाद से ही। लेकिन आखिर क्या वो बड़ी वजह है जिसके चलते लोग बॉयकॉट, कंप्लीटली बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं? रीज़न नंबर वन, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में अब वो पुराने वाली बात नहीं रही। ये सभी को पता है कि जो 2008 में जिस शो को शुरुआत किया गया था, 2023 में वो शो बिल्कुल वर्स्ट हो गया है। उस तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं रहा, उस तरीके का कॉमेडी पंचिंग नहीं रही, उस तरीके के एक्टर्स नहीं रहे। लगातार एक्टर्स का रिप्लेस होना ये एक बड़ी वजह है कि जिसके चलते लोग कलाकारों से जब कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी स्टोरी कैसे देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड देखना भी छोड़ दिया है और लोग आज भी ओल्ड एपिसोड को एंजॉय करते हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि तारक मेहता के जो लॉयल फैंस हैं वो आज भी इस शो से बने हुए हैं, कनेक्टेड हैं। यही वो बड़ी वजह है कि मेकर्स के बार बार गोल गोल घुमाने के बावजूद भी लोग इस शो को एटलीस्ट देख ही लेते हैं। दूसरा है सबसे मेजर रीजन जिसके चलते लोग आज कर रहे हैं कंप्लीटली इस शो को बॉयकॉट, और उसका सबसे बड़ी वजह है दया बहन का शो में ना आना। जिस तरीके से दया बहन को लेकर मेकर्स बार बार हाइप क्रिएट करते हैं और हाइप क्रिएट करने के बाद लोगों का दिल तोड़ते हैं, कल के एपिसोड में भी ये बातें देखी गई है कि किस तरीके से जेठालाल का हार्ट ब्रेक हुआ। और ये जेठालाल का हार्ट ब्रेक नहीं था, ये तारक मेहता के फैंस का हार्ट ब्रेक था। यहाँ पर कुछ वो ट्वीट्स हैं जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा, या आप देख सकते हो किस तरीके से हार्ट ब्रेकिंग ट्वीट लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और इस शो को कम्प्लीटली बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, सो मेकर्स आर हैप्पी नाउ आफ्टर ब्रेकिंग द हार्ट ऑफ ऑल योर व्यूअर्स एंड नाउ देयर इज नो रीज़न लेफ्ट टू वॉच द न्यू एपिसोड, सैड फॉर जेठालाल। अगले का और यूज़र ने लिखा, इट हैव बीन ईयर नाउ, फैंस आर स्टिल वेटिंग टू वॉच दिस ओजी ड्यू ऑन स्क्रीन, बट द शो इज गिविंग लॉलीपॉप टू अस, हैशटैग बॉयकॉट तारक मेहता। अगले का और यूज़र ने लिखा, प्लेइंग विद द इमोशन ऑफ द ऑडियंस, ही वॉज सो हैप्पी, नॉट एवरी टाइम यू कैन फूल अस विद द सेम स्टोरी, हैशटैग बॉयकॉट तारक मेहता। तो तारक मेहता के मेकर्स पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो कि कुछ हद तक नहीं 100% सच है, कि तारक मेहता के मेकर्स सिर्फ और सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देते हैं और जैसे ही एपिसोड आता है तो फैंस और ऑडियंस का काट देते हैं। एक बार फिर दया बहन का नाम लेकर जेठालाल को जिस तरीके से तोड़ा गया है, अब लोगों का इमोशन जो है इस शो से ख़त्म हो रहा है। और ख़त्म होने के साथ साथ लोग जेठालाल के लिए भी सैड है कि लोग ये ड्यू केमिस्ट्री को लोग देखना चाहते थे स्मॉल स्क्रीन पर कि आखिर दया बहन कब आएंगी। बहुत बार ये कहा गया था कि दया बहन की एंट्री दिवाली में होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं करा पाए असित कुमार मोदी। ये बात अलग है कि असित कुमार मोदी ने हमेशा फैंस को बांधने के लिए एक एक्साइटमेंट बना कर रखा कि दया बहन अभी आ सकती हैं, कुछ दिनों में आ सकती हैं। इवन वो सुंदर लाल को लेकर आते हैं ताकि लोगों का एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन सबसे जो मेन मेजर रीज़न है कि दया बहन को शो में ना लेकर आ पाना, इसके लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तीसरा है ये बड़ा रीज़न जिसके चलते लोग जो हैं अब इस शो से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसका एक मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। समय के साथ साथ परिवर्तन जीवन का नियम होता है, लेकिन इस शो में परिवर्तन तो आया, लेकिन ऐसा परिवर्तन आया कि ये कॉमेडी शो नहीं, एक सीरियस शो बनकर रह गया है, एक एजुकेशन शो बनकर रह गया है। जितने ज्ञान तारक मेहता वाले आपको देते हैं शायद वो ज्ञान की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर परोसे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई कॉन्टेंट नहीं है। और जब आपके पास कोई कॉन्टेंट नहीं होगा और आप उसी स्टोरी को खींच कर बड़ा करना चाहोगे, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपने भी देखा होगा कि कई बार तारक मेहता जो है वो अब लेटेस्ट एपिसोड में एक छोटी सी कहानी को पूरे हफ्ते, डेढ़ हफ्ता, एक महीना भी खींच लेते हैं। और ये बोरिंग एपिसोड देखने के बाद अब कहीं ना कहीं तारक मेहता से लोग का जो है दिल वो टूटता जा रहा है। ये मेन रीज़न है जिसके चलते बॉयकॉट तारक मेहता आज देशों दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको भी लगता है कि जी हाँ अब वो वक्त आ गया है कि तारक मेहता शो को ऑफ एयर कर दिया जाए, क्योंकि ये एक लेजेंड शो है, इसकी एक इज्जत है, एक गरिमा है, वो गरिमा बनी रहेगी। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।